Namaskar everyone. Today I am Anjana Karanya. I welcome you all to the interactive session with our honorable guest, Ms. Khushi Joshi. She is a powerhouse of calmness as well as overfilled with excellence. She managed to score 98% in the last academic year in all the four sections. So today we will ask Khushi several questions and we will be glad for her presence as well as first of all we will make the interview a little bilingual so that all of us can connect. So Khushi, mera pehla question aapse ye rahega ki ek student ya ek vidyarthi ke jeevan mein anushasan ya discipline ka kya mahatva hai? Anushasan bahut mahatvapurna hai. Aap hamari prakriti बिना अनुशासन के कुछ भी नहीं। हम एक सफल छात्र या एक सफल छात्रा की कल्पना बिना अनुशासन के कर ही नहीं सकते। एक अनुशासित छात्र या एक अनुशासित छात्रा पर पूरे विद्यालय को गर्व होता है। हमें भी अनुशासन में रहना चाहिए ताकि हम अपने विद्यालय का गौरव बन सकें। ऑलराइट, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि एक स्टूडेंट को लाइफ में बहुत सारे कॉम्पिटिशन, बहुत सारे क्रिटिसिज्म और मे बी एट टाइम्स बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स का भी सामना करना पड़ता है, तो क्या आपने कभी लाइफ में ऐसा कुछ फेस किया है? अगर किया है तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उतार चढ़ाव तो जिंदगी का एक हिस्सा है जो हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी आता है। ये मेरे साथ भी हुआ था। जिस समय पर कोरोना आया उस समय स्वास्थ्य पर तो प्रभाव सबका ही पड़ा था, पर स्वास्थ्य से ज्यादा हमारी शिक्षा पर प्रभाव पड़ा। उस समय पर मैंने पढ़ना लिखना बिल्कुल छोड़ दिया था, ना मैं अपना कार्य पूरा करती थी ना ही पढ़ा करती थी। तो बार बार मेरे टीचर्स का कॉल मेरे पेरेंट्स को जाता था और मुझे बार बार स्कूल में बुलाकर समझाया जाता था पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद मैंने अपना अपना काम करा, मैंने कोशिश करी, मेहनत करी और फिर मैं थोड़ी सी नॉर्मल रूटीन में आ गया। तो इसी तरह उतार चढ़ाव को हमें खुद ही ओवरकम करना पड़ता है अपनी मेहनत से, तो हम सब कर सकते हैं। अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। खुशी, इस श्लोक के चलते विद्यार्थी के पंच लक्षणों या पांच लक्षणों का इसमें जिक्र किया गया है या उनकी व्याख्या की गई है, तो उसी के संदर्भ में मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अपने गोल को अचीव करने के लिए या अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए और फॉलो करना चाहिए पढ़ाई पर जिस समय हम पढ़ाई करते हैं उस समय को करिकुलर एक्टिविटीज को ध्यान में नहीं।
बाद इस कोरोना काल के बाद एक विद्यार्थी के जीवन में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का क्या असर पड़ा है, उसकी मानसिकता को इन्होंने कैसे प्रभावित किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ये एक ऐसी तलवार है जिसकी दो धार है, सकारात्मक है तो उससे ज्यादा नकारात्मक है। सकारात्मक कैसे, हम अपने चीजों को उसमें ढूंढ कर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं, हम अपनी किताब से ज्यादा की जानकारी उसे लेकर समझ सकते हैं और बहुत सारा चीजों में पारंगत हो सकते हैं। परंतु यहीं पर एक नकारात्मकता भी छुपी है कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते। पहले से जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हुआ करता था या कम हुआ करता था, उस समय पर छात्र अपने मस्तिष्क का ज्यादा प्रयोग करते थे। जो अब कम होते जा रहे हैं, हमें अपने मस्तिष्क पर भी ध्यान देना है और AI से ज्यादा उस पर निर्भर होना। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि एक विद्यार्थी या एक स्टूडेंट के जीवन में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं या ऐसी कौन सी बातें हैं जो उसे ध्यान में रखनी चाहिए मुख्यतः अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, हमें नियमित तरीके से अपने कार्य को करना है। अगर हमारा एक बार भी नियमित शैली बिगड़ जाती है तो हमारी हर एक चीज बिगड़ जाती है। जैसे कि पढ़ने पर भी की चीज, अगर हम एक बार समय से कम या समय से ज्यादा पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी उस पर अलग रिएक्ट करती है और हम पहले की तरह नहीं कर पाते हैं। उसी तरीके से अपनी डाइट पर हमें ध्यान देना चाहिए और सोने पर, जो कि आजकल लोग कम करते जा रहे हैं फोन के एडिक्शन की वजह से, उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर हमने अपनी हेल्थ, अपनी स्लीप और अपनी स्टडीज पर ध्यान दिया तो फिर हम हेल्दी, वेल्दी और वाइज तीनों बन जाएंगे। आपने हमें बहुत मोटिवेट किया। नाउ मैं चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस, हमारे स्टूडेंट्स जो कि इस समय आपको सुन रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल मैसेज देकर जरूर जाएं। तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि समय को बहुत सोच समझ कर खर्च करें, क्योंकि समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो हमें समय दोबारा दे सके। धन्यवाद। थैंक यू खुशी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड